लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर एक कार अचानक आग का गोला बन गई। घटना कालिदास मार्ग की है। यहां पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के आवास के पास एक कार में आग लग गई, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तो देखिए तस्वीर, किस तरीके से बीच सड़क पर ही ये कार जल गई। कालिदास मार्ग की ये घटना है। हालांकि फौरन फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, और लेकिन कार को अच्छा खासा नुकसान हो गया, कार जलकर राख हो गई। कालिदास मार्ग में अचानक कार में आग लगी थी। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, अब क्या कार को वहां से हटा दिया गया है, आग बुझ गई है, कारण पता चल पा रहे हैं क्या? देखिए बिल्कुल, कार में जो आग लगी थी, पहले फायर ब्रिगेड को फोन किया स्थानीय लोगों ने, और फिर फायर ब्रिगेड पहुंची, एक गाड़ी पहुंची, उसमें जो है जो आग लगी थी उस पर काबू पाया। हालांकि थोड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी, क्योंकि कार में आग लगी थी और कोई पैसेंजर व्हीकल था जो पांच कालिदास मार्ग जो है उससे अगर हम कहें आगे की तरफ, जो नौ कालिदास मार्ग है वहीं पर ये खड़ा था वाहन, और अचानक से आग लगी। बताया जा रहा है कि सर शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। आजकल हमने देखा है कि गाड़ियों में, ज्यादातर गाड़ियों में इसी तरीके से अचानक से आग लग जाती है, और वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने तुरंत फोन किया, फिर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची। पर देखिये VIP इलाका है, और जिस तरीके से आप तस्वीरें देख हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरीके से आग लगी है, पहले ऊपर की तरफ लगी है, फिर टायर में आग पहुंची है, तो कहीं ना कहीं वहां पर आसपास लोग भी हैं, गाड़ियां भी कई सारी खड़ी हैं। पर ये जरूर है कि वहां पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर तो काबू पाया है, गाड़ी को भी वहां से हटा लिया है। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग दंपति ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई। पूरा मामला कोतवाली विसरख क्षेत्र का है, जहां तीन दिन पहले दबंगों ने बुजुर्ग दंपति समेत परिवार को लाठी डंडों से पीटा था। अब बुजुर्ग दंपति ने अस्पताल के ICU से वीडियो जारी कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, पूरे मामले में विसरख थाना स्थित चौकी राइस चौकी इंचार्ज राहुल पर दबंग हमलावरों से साठगांठ का आरोप लगा है। सभी आरोपी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिन पर बुजुर्ग दंपति आरोप लगा रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जान को खतरा है, हम गरीब लोग हैं, हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, वे बाहर अभी डोल रहे हैं, हमारी रक्षा करी जा, हम गरीब लोग हैं, और मुझ पर इतना बोला नहीं जा रहा।